दिनों मैं राजस्थान के दौरे पर था तो मैं अपना दौरा छोड़ करके लौटा हूँ और कल रात से ही मैंने बैठक की अपने विधायकों के साथ, सारे पदाधिकारियों के साथ। सबसे पहला काम ये किया कि फरक्का बांध के सारे गेट खुलने चाहिए, तो इसके लिए मैंने स्वयं बात किया जो हमारे मंत्री हैं गजन शेखावत से और जल शक्ति मंत्री और उसके सचिव से। वो जोधपुर में थे, उन्होंने खबर दी कि सारे गेट खोल दिए गए हैं ताकि स्तर कम हो। दूसरी बात कि मैंने अभी बैठक की, कलेक्टर से बात किया, NDRF के लोगों से बात किया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पदाधिकारी मेरे साथ हैं, तो नाव पर्याप्त संख्या में है ऐसा उन्होंने बताया है। बिजली की समस्या के बारे में ऐसा बताया गया कि कई जगह बिजली इसलिए नहीं चलाई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं हो जाए। मुझे बताया गया कि पानी को पंप आउट करने के लिए कोल इंडिया अगर अपने बड़े पंपों को भेजे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कल प्रहलाद जोशी जो मंत्री हैं वो मैसूर में थे, उनसे बात की और जो हमारे छत्तीसगढ़ के कोल फील्ड हैं वहाँ से बड़ा पंप आने वाला है। तो मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी से बात किया कि एयरफोर्स के प्लेन से उसको यहाँ लैंड कराया जाए। फिर मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी से ये भी बात किया कि 2 हेलीकॉप्टर आने चाहिए और डिफेंस सेक्रेटरी हमारे अजय कुमार सिंगापुर में थे, उनसे बात किया, 1 हेलीकॉप्टर पहुंच गया है, 1 और गोरखपुर से आने वाला है ताकि हेलीकॉप्टर से लोगों को सूखा भोजन, मोमबत्ती आदि देने में सुविधा हो। जहां तक पंपों की स्थिति है, मैं स्वयं जा रहा हूं अरुण जी के साथ, संजीव के साथ, नितिन नवीन भी आने वाले हैं, वो भी सिक्किम में थे, वहां के प्रभारी हैं, वहां से गाड़ी से ही चले हैं। हम लोग लग करके पूरा इस पे काम करेंगे, पटना की जनता के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। प्रशासन से भी आग्रह किया है फील्ड में जाकर कोई परेशान न हो, जिनको रेस्क्यू करना है रेस्क्यू किया जाए। काफी कुछ रेस्क्यू पंप खुले हैं, स्थान खुले हैं तो, और हम लोग लगे हुए हैं। बिहार सरकार और बिहार सरकार के पीछे भारत सरकार, ये लगकर पटना के आसपास, पटना शहर के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए जितना भी करना होगा हम करेंगे।